Hi, all of you. This is Learning Wise, and I'm Kamlesh Sharma. This video is dedicated to Class 6, Chapter Number 4, which is Accent, Functions, and Charts. Okay? So, हम इस वीडियो में Chapter 4 को revise करने वाले हैं. So, without any further delay, let's get started. Okay? So, as you can see, I've already opened Chapter Number 4 here. Now, chapter 4 है accent functions and charts. ठीक है, so accent के अंदर functions and charts क्या है, कैसे functions को आप use करते हैं, कैसे charts को हम insert करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे learn करने वाले हैं. Okay, as we all know, formula क्या होता है. अच्छा, पहले देखते हैं एक्सेल क्या है. एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एंड यू कैन क्रिएट बिग बिग टेबल्स आल्सो. ठीक है, तो जब हम एक्सेल का टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर कैलकुलेशंस करने के लिए फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को यूज करते हैं, राइट. सो ये जो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं कुछ वैल्यूज पे, है ना. तो सेल के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, यू कैन पुट दी कॉन्स्टेंट वैल्यूज. कॉन्स्टेंट क्या होता है, जैसे मैथ्स के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है आपका कॉन्स्टेंट और दूसरा होता है आपका वेरिएबल्स, है ना. सेकेंड इज योर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जनरली दे आर नेम्ड एज अल्फाबेटिकली एक्स. जैसे आप हमेशा देखते होंगे कि एक्स, लेट एक्स इक्वल्स टू 10, देन वाई, लाइक दैट, है ना. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर द न्यूमरल्स, दे आर द नंबर्स, लाइक 1 से लेके वट एवर, इट कैन बी लाइक एनी वैल्यू, 15, 500, 65, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं, राइट. अब जब आप एक्सेल के अंदर जो वैल्यूज डालते हैं, वो नंबर, नेम्स, डेट, करेंसी, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, है ना. तो अगर मैं आपको यहाँ अपना एक्सेल ओपन करके दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. ऑलराइट, सो अगर मैं आपको एक्सेल यहाँ ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे नंबर में देख सकते हैं, ये बहुत सारे नंबर फॉर्मेट्स हैं हमारे पास एक्सेल में, है ना. और हम इस तरीके की वैल्यूज अपने टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम उन सारी वैल्यूज के ऊपर फॉर्मूला एंड फंक्शंस अप्लाई करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ओके, आई होप ये क्लियर है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, नेम्स ऑफ फंक्शंस और ऑपरेटर्स दैट प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग वैल्यूज. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर वैल्यूज हो सकती हैं, लाइक जैसे मैंने अभी बोला 1, 2, 3, 4. सेल रेफरेंसेस हो सकते हैं. सेल रेफरेंस क्या होते हैं, सेल का नेम, सेल का एड्रेस. लाइक जैसे अगर मेरे पास एक सेल है B2, ठीक है, तो हम सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के नेम यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्टली फंक्शन का नेम भी यूज़ कर सकती हूँ फॉर्मूला के अंदर. देन ऑपरेटर्स, ऑफकोर्स ऑपरेटर तो हमें यूज़ करने ही है. ऑपरेटर क्या होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसी कैलकुलेशन करनी है. ऐड करना है तो प्लस लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना है तो ये एस्ट्रिक लगाएंगे, डिवाइड करना है तो ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, लाइक दैट. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मूला में लिखते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकें एंड वी कैन गेट द रिजल्ट दैट वी वॉन्ट. ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है, राइट. नाउ क्या इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है. दैट मीन्स जब मैं एक्सेल में
इक्वल टू टाइप कर दूंगी और उसके बाद मैं कुछ लिखूंगी. लेट्स से आई एम राइटिंग ए वन प्लस ए टू. ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं यहाँ ए वन और ए टू हाईलाइट हो गए. हालांकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है बट स्टिल मैंने फॉर्मूला में यूज किए हैं तो ये हाईलाइट हो गए हैं. एंटर प्रेस करेंगे, आंसर जीरो आएगा. वाई? बिकॉज दोनों ही यहाँ पे ब्लैंक थे. मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज डाल दूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है, राइट? अच्छा, नाउ सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम शुरू से ही जानते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है. सेल रेफरेंस का मतलब है सेल का एड्रेस. ठीक है, अब सेल का एड्रेस क्या होता है? सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जब आप ओपन करेंगे तो ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये सेल्स हैं, है ना, और देखने में ये सब सेम लगते हैं. तो इन सेल्स को एक दूसरे से कैसे सेपरेट करेंगे आप? कैसे पता चलेगा कि ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स से डिफरेंट है? ठीक है, तो एक्सेल डेवलपर्स ने हर एक सेल को एक यूनिक नेम दे दिया, राइट? और कैसे दिया? कॉलम के नेम और रो के नंबर से. ओके, दैट मींस जिस भी कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से सेल बन रहा है वो उसका एड्रेस है. जैसे ये जी और 5, तो इस सेल का क्या एड्रेस हो गया, यस, क्या रेफरेंस हो गया? जी 5. व्हाट इज दिस? ई 5. व्हाट इज दिस? जी 11. दिस इज एन 4. ठीक है, सो ये इसका सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहलाता है. ओके, every cell has a unique address called cell reference. By default a cell is identified by the column letter and the row number which intersects it. ठीक, now cell range, it is a group of related cells in a worksheet. okay, जब आप बहुत सारे cells को एक साथ select करते हैं वो cell range कहलाता है. दिस इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बार सेल रेंजेस को यूज करते हैं. ठीक है, सेल रेंजेस कैसे आइडेंटिफाई होती है? एंकर पॉइंट से. एंकर पॉइंट मीन्स जो आपका रेंज का पहला सेल है वो उसका एंकर पॉइंट हो जाएगा और जो लास्ट सेल है वो उसका यू नो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, और ये दोनों जो एंकर पॉइंट्स हैं इन दोनों को सेपरेट किया जाता है कोलन से. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, सो दैट मींस अगर मैं G3 से लेके G10 तक सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, लेट्स से आई एम राइटिंग इक्वल्स टू SUM ब्रैकेट में G3 से लेके कोलन देन G6. ठीक है, सो जैसे मैंने G3:G6 लिखा आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई. ठीक है, तो ये एक्चुअली मीनिंग है रेंज का. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो ऑपरेटर यानी कि वो सिंबल से आपको पता चलेगी. तो एक्सेल में एरिथमेटिक, कंपैरिजन, रेफरेंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, एडिशन मींस एरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज एंड एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स होते हैं. कंपैरिजन में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हैं. रेफरेंस के अंदर कोलन है, स्पेस है, कॉमा है. लॉजिकल में एंड और नॉट है. ठीक है, ऑलराइट, अभी ये रिविजन है सो वी आर फोकसिंग ऑन ओनली दोज थिंग्स विच आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक, सो आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर्मूला इक्वल टू साइन की हेल्प से जो है क्रिएट किया जाता है. अभी देखते हैं एंटर कैसे करेंगे हम फॉर्मूला को. ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं. जैसे मैंने आपको बता ही दिया है ऐसे फॉर्मूला को एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और उसमें जो भी आपको लिखना है वो आप फॉर्मूला में लिखेंगे. नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो भी आपने फॉर्मूला एंटर किया है सेल में वो आपको फॉर्मूला बार में दिखता है. ठीक है, ये फॉर्मूला बार है जिसके आगे FX लिखा हुआ है.
और ये आगे एक लंबा सा टेक्स्ट बॉक्स जैसा आपको दिखेगा, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके आगे क्या है, नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स में आपको सेल का एड्रेस दिखता है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेल में फॉर्मूला है, डबल क्लिक करिए, वो फॉर्मूला यहाँ बॉक्स में भी दिखेगा और यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिखेगा, और वो सेल्स हाईलाइट होते हुए भी दिखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सी आई ऑलवेज से फॉर्मूला क्या है, वो जो आप अपने आप से लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऑपरेटर्स यूज करने हैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज आप अपने आप खुद से लिख लिख के यूज करते हैं। बट फंक्शंस क्या है, फंक्शन वो बिल्ट इन फॉर्मूले हैं जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करा रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्लिक करके इनको यूज करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स फॉर्मूला इज समथिंग विच यू राइट योरसेल्फ, फंक्शन इज समथिंग विच इज बिल्ट इन, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर, उनको कहते हैं फंक्शन, ठीक। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, आपको सेल्स सेल को सेलेक्ट करना होता है या वैल्यूज को सेलेक्ट करना होता है, और फंक्शन के लिए आपको ऑटो सम के एरो पे जाके क्लिक करना होता है, और आपको सारे फंक्शन दिख जाते हैं। जिस भी फंक्शन को आप क्लिक करेंगे, आपकी वैल्यू पे वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, और जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो फंक्शन हैं काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ एक्सेल शीट में दिखाती हूँ, ये रहे आपके फंक्शंस, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन एंड मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस नजर आएंगे। ये कैटेगरीज हैं, ये फंक्शंस के नेम्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफाई इंडिविजुअल सेल्स। जब आपको इंडिविजुअल सेल्स आइडेंटिफाई, सॉरी, इंडिविजुअल सेल्स आपको जब डालने होते हैं तो आप कॉमा से डालते हैं, जब आप ग्रुप ऑफ सेल्स डालते हैं तो कोलन से डालते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज अ सेल रेंज, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शंस में डालते हैं, राइट, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैसे लिखते हैं, ओके। फंक्शन हमेशा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होता है, आप इक्वल टू साइन लगाएं या ना लगाएं, वो अपने आप से लगा दिया जाता है, और आप उसको देख सकते हैं अगेन फॉर्मूला बार में, ठीक है। तो इक्वल टू साइन फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में वो वैल्यूज या वो सेल रेफरेंसेस जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उस फंक्शन को, राइट। यहाँ पे आपका डिफरेंस इन फॉर्मूला एंड फंक्शन लिखा हुआ है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर्मूला इज रिटन बाय यूजर टू बी कैलकुलेटेड, सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। फंक्शन क्या है, रेडीमेड फॉर्मूला दैट परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन द स्पेसिफिक वैल्यूज विच यू मेंशन, ठीक है, ऑलराइट। और फॉर्मूले फंक्शन के अंदर आप इक्वल टू साइन खुद नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, राइट। अब कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, सबसे कॉमन जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो है ऑटो सम, उसके बाद एवरेज, फिर अगर एवरेज का क्या मतलब है, जब बहुत सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल ऑफ दोस वैल्यूज, राइट। सो एवरेज आप निकाल सकते हैं, आपको एवरेज अगर खुद से फॉर्मूला नहीं लिखना है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ पे एवरेज को क्लिक कर दीजिए, जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनकी एवरेज निकल जाएगी। जैसे मेरे को इन दोनों का अगर एवरेज निकालना है तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगी एंड आई विल गो एंड क्लिक ऑन एवरेज, आ गया एवरेज, ठीक है। 12 और 14 का एवरेज है 13, ठीक। अगर आपको मैक्स वैल्यू मैक्स यूज़ करना है तो आप मैक्स पे क्लिक करें, अपने आप मैक्स आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज में, इन दोनों में से अगर आपको देखना है मैक्स क्या है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ये आ गया मैक्स, ठीक है। दोनों वैल्यूज में से मिन फाइंड आउट करना है तो मिन पे क्लिक कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्स मीन्स रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो मैक्स फंक्शन आपको बताता है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो आपको किस फंक्शन से पता चलेगी, मिन फंक्शन से। अंडरस्टूड? नाउ
आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया मार्क्स एंड मिन, ठीक है ओके। हम लोन टर्म्स इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेल रेफरेंसेस के टाइप्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ वी आर हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स चार्ट्स इन एक्सेल। चार्ट्स क्या हैं? चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक्सेल टेबल की या डेटा की, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपके आपके नॉर्मल डेटा को, नॉर्मल टेबल को ऐसे ग्राफिकली ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्सेल में बहुत सारे चार्ट्स हैं, राइट, ऑलमोस्ट 10 चार्ट हैं जो आपके इस चैप्टर में मेंशन हैं, जिनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, है ना। देन चार्ट क्या करता है, क्या एडवांटेज है चार्ट के, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम हो कि चार्ट आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। मतलब अगर आपका बहुत बड़ा टेबल है तो काफ़ी बार उसको समझ पाना, उसको अंडरस्टैंड कर पाना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल को चूज करके उसका एक चार्ट बना देते हैं ताकि हम उस समझ पाए, ठीक है। इजीली समझ पाएंगे तो इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। एंड ऑल्सो चार्ट बहुत ज़्यादा अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव हो जाता है, ओके। टेबल बहुत ही लाइक कुछ लोगों को टेबल में डेटा को रीड करना डिफिकल्ट होता है, बट उनके चार्ट को समझ पाना इजी होता है। तो एक्सेल आपको दोनों चीज़ें दे रहा है, टेबल भी दे रहा है चार्ट भी दे रहा है। चार्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, और बड़ी सी टेबल की इंफॉर्मेशन को इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देता है, राइट। देन नेक्स्ट इज चार्ट आपको अच्छे से चीज़ें एनालाइज करने में मदद करता है, बहुत इम्प्रेसिव होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है। सो ये चार्ट के यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे भी चार्ट के एडवांटेजेस मेंशन है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। इसके लिए मैंने आपको आपके पास एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में, चार्ट के कॉम्पोनेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ये कंपोनेंट्स हैं क्या, थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस एक्सेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, है ना, ये वाली एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेफ्ट से राइट जा रही है, वो है एक्स एक्सेस, ठीक है। वाई एक्सेस क्या है, जो टॉप से बॉटम में आ रही है, वो वाई एक्सेस होती है। डेटा सीरीज क्या होती है, ये वो डेटा है जिसके बेसिस पे आप चार्ट बना रहे हो, दैट मीन्स आपका टेबल, ठीक है। डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट्स वो होता है जिससे आपका चार्ट बना हुआ है, जो आपके चार्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स आपने डाले हुए हैं वो सारे आपके चार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। चार्ट एरिया वो एरिया है जिसमें आपके साथ आपका पूरा का पूरा चार्ट और उसके कॉम्पोनेंट इनक्लोज्ड हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट यहाँ से राइट, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया क्या आपका कहलाएगा, ये आपका चार्ट एरिया का कहलाएगा। प्लॉट एरिया जहाँ एक्चुअल चार्ट है, ये एक्चुअल चार्ट यहाँ पे है, ठीक है, इतने एरिया में है, तो ये जो एक्चुअल चार्ट है वो उस एरिया को कहेंगे आप चार्ट, सॉरी प्लॉट एरिया। नेक्स्ट इज चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल क्या होता है, आपके आपके चार्ट का हमेशा एक टाइटल दे दिया जाता है जिससे यूजर समझ पाए कि ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं चार्ट टाइटल। आप जैसे इसे टॉप पे रख सकते हैं और इसके कुछ ऑप्शंस रहते हैं, आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं चार्ट टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले हो। देन एक्सेस टाइटल, जैसे मैंने आपको कहा एक्स और वाई एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस जो है आपका एसेट हॉरिजॉन्टल है और वाई क्या है टॉप टू डाउन जो आ रहा है, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है ये और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। तो इन एक्सेस का भी आप नेमिंग कर सकते हो ताकि यूजर समझ पाए कि भाई एक्स एक्सेस पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट की जा रही है और वाई पे क्या, तो वो एक्सेस टाइटल है। देन ग्रिड लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल
लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। सो ये ग्रिड लाइंस होती हैं। जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, तो ग्राफ पेपर में भी ये छोटे 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 बॉक्सेस जो होते हैं वो ग्रिड लाइंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे आप बॉक्सेस यहाँ पे अपने चार्ट के लिए भी ला सकते हो, ताकि उसके सारे कॉम्पोनेंट्स को, मतलब जो ये, लेट्स से अगर ये कॉलम है, तो ये कॉलम क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ तक इसकी वैल्यू जा रही है, आप उसको इजीली रीड कर पाओगे अगर आप ग्रिड लाइन डालते हो। नाउ लेजेंड, लेजेंड क्या होता है? लेजेंड आपको ये बताता है कि आपने क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे यूज की है, ठीक है। बेसिकली इसमें डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हुए आपको यहाँ पे जो है एक लेजेंड मिलता है। जैसे मैं एक्चुअली अपने माउस से काम कर रही हूँ, तो ये थोड़ा ठीक से ड्राइंग नहीं होगी, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। यहाँ पे छोटी छोटी यू नो ऐसे बॉक्सेस बन जाते हैं, और वो बॉक्सेस आपको बताते हैं कि ये रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो है आपका लेजेंड, ठीक है। यूनिक कलर असाइन किया जाता है हर एक सीरीज को, दैट इज बेसिकली लेजेंड। देन डेटा लेबल क्या होता है? डेटा लेबल आप जब टेक्स्ट, मतलब बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट है जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ओके। जैसे ये बार्स हैं, तो इनके एडिशनल वैल्यू आपको बताएगा कि ये कौन सा डेटा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या क्या वैल्यू है ये। अगर ये 200 है तो ये 200 यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ये 300 है तो यहाँ 300 मेंशन हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट हमने देख लिए, एडवांटेजेस हमने देख लिए, कंपोनेंट्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे चार्ट के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहला है आपका कॉलम चार्ट, ठीक है। ये वर्टिकल बार्स की फॉर्म में जो है डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एक्स और वाई एक्सेस होती हैं आपके पास। देन बार चार्ट टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा को, ठीक है। टाइम एंड कंपैरिजन के लिए जो है यूज़ होता है। लाइन चार्ट क्या है? इसमें लाइंस होती हैं, ठीक है। एरिया चार्ट होता है, देन हमारे पास पाई चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट है, रडार चार्ट है, 3D सरफेस चार्ट है, एंड फाइनली स्टॉक चार्ट है, ठीक है। सो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, और ये बेसिकली थ्योरेटिकल रिवीजन है चैप्टर का, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन को स्किप कर रहे हैं, ओके। नाउ बाय द वे, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने टेबल को क्रिएट करने के बाद टेबल को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे जाइए, और इंसर्ट में चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी चार्ट आपको जो है इंसर्ट करना है, उस चार्ट को आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देन ओके चार्ट पर, ओके। एक लास्ट से एक छोटा सा टॉपिक है, स्पार्क लाइन क्या होता है। स्पार्क लाइन वो छोटे से चार्ट होते हैं जो एक 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 सेल के अंदर भी फिट हो सकते, ठीक है। तीन तरीके के स्पार्क लाइंस हैं, लाइन, कॉलम एंड विंडोज। दैट्स इट, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड योर डाउट्स वुड हैव बीन क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्निंग वाइज एंड लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।